व्हेन आई स्टार्टेड द क्लासेस, तो मेरे साथ बड़ी ये प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में. माय होम इज इन द कॉर्नर और इट इज वेरी डीप इनसाइड, तो मुझे यहाँ पर नेटवर्क की बड़ी इश्यूज होते थे. दैट टाइम आई डिड नॉट हैव वाईफाई कनेक्शन, आई यूज टू यूज माय मोबाइल ओनली एंड आई हैड एयरटेल नेटवर्क. तो कभी कभी ऐसा हो जाता था, इट यूज टू हैपन विद मी दैट देयर इज नो नेटवर्क. तो आई यूज टू गो आउटसाइड इन माय मींस देयर इज अ प्लेस इन फ्रंट ऑफ माय होम, आई यूज टू गो देयर एंड फ्रॉम देयर आई वाज टीचिंग माय क्लासेस. वहां से खड़े होके ये सोचिए, मतलब रोड पे चल के मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, रोड पे चल के और कहीं पर्टिकुलर जगह पे बैठ के जहाँ पर मच्छर भी काट रहे हैं. लास्ट ईयर की बात बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने इसी टाइम के दौरान ही, मैंने मई जून में ही क्लासेस शुरू करी थी, तो वहां पर हम इस तरीके से ये अच्छा कंडीशन होती थी, आप खुद सोच के देख सकते हैं, है ना. तो ये सब चुनौती होती है, अच्छा लेकिन सब चीजें ठीक चलती रही चलती रही, तो ये कंडीशन तक आ गई मेरे साथ में कि बाय बिकॉज ऑफ माई ऑनलाइन क्लासेस आई हैव परचेज वन मोबाइल, आई हैव परचेज वन लैपटॉप, आई हैव गॉट द वाईफाई कनेक्शन, ऑल दी फैसिलिटीज आई हैव गॉट बाय माई हार्ड वर्क, बाय दैट हार्ड वर्क, उसी मेहनत की वजह से. अगर वो चीज मैंने नहीं करी होती, उनको मैं ऐसे सोच लेता कि ये तो यार ये तो मुसीबत है, छोड़ छाड़ देता, आज रो रहा होता कहीं बैठ के, छोटी मोटी कहीं पे नौकरी कर लेता 5-10 हजार की. तो ये आपको समझना है, चुनौतियों को आप, है ना, टालने की जगह चुनौतियों को अवसर में बदल दीजिए, उसको अपॉर्चुनिटी में बदल दीजिए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है. ठीक है, बचना नहीं किसी चीज से, फेस करिए, फेस द प्रॉब्लम्स. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड व्हिच इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर क्लास. टुडे विल बी लर्निंग द यूज ऑफ होम, और ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एज वी यूज्ड टेक इन प्लेस ऑफ ईट.